बिलावल भुट्टो साहब, आपने बड़ी ज़ोरदार कम्पेन पंजाब में चलाई, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में ज़ाहिर है आपको क्या रिस्पांस मिला और क्या रिज़ल्ट पंजाब में तवक्को कर रहे हैं? और दूसरा हिस्सा ये है कि आप फ्यूचर में आपका पीटीआई के साथ तावन हो सकता है अगेंस्ट नवाज शरीफ या अगेंस्ट पीएमएलएन? जहाँ तक पंजाब के, मेरा तो बहुत ही अच्छा इस्तकबाल, जिस मोहब्बत, जिस जोश, जिस जज्बा के साथ, जिस तादाद में पंजाब के अवाम ने हमारा इस्तकबाल किया है, वो ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा थे। और यही कुछ हमें तमाम सूबों में, इसलिए मैंने चारों सूबों में कैंपेन चलाया था, चारों सूबों में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें। मैं पूरा उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला कल हम ना सिर्फ पंजाब से मगर मुख्तलिफ सूबों से माजी से बेहतर रिजल्ट दिखाएंगे और इस पोजिशन में होंगे कि हम पाकिस्तान के वफाक में हुकूमत बनाएं। और हम इंतजार में हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम बड़ी तादाद में निकले और इंशाल्लाह ताला उसके बाद एक दूसरा मरहला शुरू होता है। जहां तक पीटीआई की सवाल है, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो नॉन लीग हो, इस वक्त जिस तरीके से वो वही माजी का सियासत कर रहे हैं, नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं, एक किस्म का सियासी इंतहा पसंदी का नाम मैं इनका सियासत को दूंगा। अगर उन्होंने वही सियासत करना है तो मैं ना मियाँ साहब के साथ, ना पीटीआई के साथ उस किस्म के सियासत के साथ दे सकूंगा। अगर दे वांट टू ब्रेक विद दिस ट्रेडिशन, अगर दे अग्री, इतना मैच्योरिटी आ चुका है, सियासी एक सोच का कंसेंसस बन जाता है कि हम कुछ रूल्स ऑफ द गेम तय करें ताकि हम इस निजाम में जो कमियां हैं उनको एड्रेस भी करें और एक ऐसा माहौल बनाए जिससे हर 5 साल बाद हम वही फिल्म का ट्रेलर ना देखें, तो उस पर मैं जरूर हर किसी के साथ काम करने के लिए तैयार होऊंगा। साहब, आपने जब असेंबली का खत्म हो रही थी, आपने उस वक्त अपना एक खिताब किया जिसमें आपने शिकवा दोनों बड़ों से किया, चाहे वो नून लीग के बड़े हों या आपके अपने बड़े हों, जदाई साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, मगर अगर सियासत में आगे बढ़ना है, क्योंकि मुल्क एक ऐसे अब निज़ाम में चला गया है 16 महीने की हुकूमत जिसका आप भी हिस्सा थे, जिसमें ऐसा लगता है कि अब आइंदा जो भी सिस्टम आएगा, चाहे वो आपकी हुकूमत आए या किसी और की हुकूमत आए, वो एक हाइब्रिड सिस्टम के तहत ही चलेगा, एक SIFC है, ये जो स्पेस है ये कैसे वापस लिया जाए, जिस आप कह रहे थे और शिकवा कर रहे थे और आप चाहते हैं कि सियासत ऐसी हो जो कि आगे चले, जो कि आपका शिकवा था, वो कैसे मुमकिन कैसे होगा एक ऐसी हुकूमत? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी ये करके दिखाया, जो भी स्पेस हमने हासिल किया वो स्पेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेके दी और फिर दूसरे हमारे बाद आके जो है उस स्पेस को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और नुकसान पहुंच जाते हैं और हम पीछे हट जाते हैं। मेरा एक दो पॉइंट्स है इस टॉपिक के लिहाज से। मैं समझता हूं कि सबसे पहले सियासतदानों को सियासत कुछ सियासत के दायरे में रह के करना चाहिए, इससे पहले कि हम दूसरे से ये उम्मीद रखें कि वो अपने दायरे में रह के सियासत करें। दूसरा तो मतलब गेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। दूसरा, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को एक दूसरे का इज्जत करना चाहिए। अगर सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो वो ये उम्मीद ना रखे कि कोई और उनका इज्जत करेंगे। तीसरा, मैंने अपना ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन का जो मंशूर पैसा है उस पर भी मैंने बात किया, वो भी बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली ये एक प्रोसेस होगा, एक एवोल्यूशन होगा, हम आहिस्ता आहिस्ता अपना इदारों को, अपना सिविलियन इंस्टीट्यूशन को, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हुए, जो कि मियाँ साहब ने नहीं की, जो कि खान साहब ने नहीं की, उनको फाल बनाते हुए उस तरीके से अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू डिलीवर करते हुए उस तरीके से हम अपना स्पेस वापस लेंगे। लेकिन अगर हम अपना स्पेस वापस लेने की कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर हम इसी तरीके से चलते रहते हैं, तो अगले 30 साल भी इसी किस्म के आपको सियासत भी देखेंगे, हुकूमत भी देखेंगे और उसका जो जिस तरीके से इट इज स्टैग्नेटेड द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इस तरीके से पाकिस्तान की मीशत उस तरीके से तरक्की नहीं कर सका, हमारे मुआशरे में एक इतिहाद के बजाय एक तकसीम पर तकसीम होते जा रहे हैं, जिस तरीके से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी ने एक जन्म लिया, ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में इसलिए हैं कि हमारा जो इस्लामी जमहूरी वफाकी निजाम है, अगर वो सही तरीके से चलते तो वी वुड बी एबल टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ कंसेंसस एंड क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट वेयर आवर फेडरेशन कैन रन। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है कि हम
हर 10 साल बाद सोचते हैं कि हाउ शुड वी रीइन्वेंट द व्हील एंड एवरी टाइम वी गेट इनटू एक किस्म का एक स्टेलमेट जिसके नतीजे जिसका नुकसान मैं नहीं उठाता हूँ आप नहीं उठाते हैं पाकिस्तान के अवाम उठाते हैं। शहजाद इकबाल साहब आपसे सवाल करेंगे। जी शहजाद इकबाल जी अस्सलाम वालेकुम। बिलावल साहब जी पाकिस्तान एक कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है यहाँ पे जहाँ अवाम की राय मैटर करती है इलेक्शंस में वहाँ ये भी मैटर करता है कि ताकतवर हल्के या इदारों की क्या सोच है और इस हवाले से हमारे सोहेल वड़ाई साहब ने आज एक कॉलम लिखा है जिसमें खबर ही दी उन्होंने कि इस वक्त ये सोच है कि 10 साल के लिए एक बांग्लादेश मॉडल हो और उस कॉलम में उन्होंने ये भी लिखा है कि इदारे समझते हैं कि नून लीग बआसानी 110 सीटें जीत जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर ज़रा बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय है जो आपने 2-3 माह तक कैंपेन की मोबिलाइज करने की कोशिश की लोगों को उसका क्या फायदा होगा इन दी एंड। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ इसी से जुड़ी हुई एक राय ये भी पाई जाती है I won't be able to answer many questions at once. इसको मैं एड्रेस करूं फिर पहले आप दूसरा सवाल भी पूछे। Far be it for me to disagree with Sohail Baraj साहब। मैं तो Sohail Baraj साहब की जो आर्टिकल्स है खास तौर पर उनको बड़ा रिलाई करता हूँ। मुझे आज तक याद है कि 2018 के इलेक्शन से पहले एक डॉक्ट्रिन के बारे में सहेल ब्राइट साहब ने लिखा था उसी फिर डॉक्ट्रिन को हमने देखा कि कैसे चला आज। लेकिन जो ये सहेल ब्राइट साहब कर रहे हैं इससे मैं जरूर इख्तलाफ करूंगा। एक तो अगर कोई समझता भी है कि बांग्लादेश मॉडल चलेगा आप देखिए कि बांग्लादेश में जो तरक्की हुआ है वो उस बांग्लादेश उस गैर जमहूरी बांग्लादेश मॉडल से नहीं चला वो जमहूरी बांग्लादेश मॉडल से चला। एक कोशिश किया गया कि जुडिशरी के थ्रू बांग्लादेश को चलाए और वो जुडिशियल मॉडल जो बांग्लादेश के था वो नाकाम रहा। जहां तक पाकिस्तान में नून लीग आसानी से इतने सीट लेंगे मैं अब पूरा मुल्क का दौरा मीन आप समझो कि मैं पैदल चला हूं इस पूरा मुल्क में पिछले इतने सारे महीनों से और जो ग्राउंड रियलिटी है नून लीग जो है वो दूर दूर तक 100 सीटों पे नहीं पहुंच रही है। मैं समझता हूं कि जो हमारे इदारे हैं वो चाहेंगे कि जितने भी मुमकिन हो ये इलेक्शन फ्री और फेयर हो जो इलेक्शन रिजल्ट्स हो वो जिस हद तक लेजिटिमेट हो सके उतना उनका लेजिटिमेसी हो। इसलिए ये वाहिद तरीका है कि हम वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करें ताकि हम वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो हम सबकी जरूरत है वो हम क्रिएट करें। तो अब देखना तो एक दिन ही रहता है हमें देखना है कि पाकिस्तान के अवाम क्या फैसला करते हैं। आई डू डिसएग्री दैट दैट सॉर्ट ऑफ बांग्लादेश मॉडल कैन वर्क इन पाकिस्तान। और बिलावल साहब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी ये था कि एक राय ये पाई जाती है क्योंकि अब SIFC वजूद में आ चुकी है उनके प्लान्स में भी प्राइवेटाइजेशन है अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे फौरी आके प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत है। तो एक राय ये भी है कि पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत का हिस्सा बनती है तो वो तो प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ है। आप मेरे शो में ये कह भी चुके हैं कि जी हाँ बिल्कुल हम तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। फिर एक सोच ये भी है कि शायद NFC अवार्ड को तब्दील करने की ज़रूरत है जिसमें वफाक का हिस्सा बढ़े उसकी भी पीपल्स पार्टी खिलाफ होगी। तो पीपल्स पार्टी कहीं से भी इस इक्वेशन में सूट नहीं करती है फिट नहीं बैठती है इस पर क्या राय है आपकी। जहां तक SIFC की बात है ये बॉडी इसलिए बना ताकि ये कोऑर्डिनेट कर सके वफाक सूबे और जो इंटरनेशनली हमारा इन्वेस्टमेंट्स आने के इम्कान है ये जरूर आप सही। तो ये कोऑर्डिनेशन का और इसका जो तरीकेकार है इस पर आई डोंट थिंक एनीबॉडी इस पर एतराज कर रहे हैं। जहां तक प्राइवेटाइजेशन का मंसूबा है प्राइवेटाइजेशन मैंने आपका शो पे भी कहा था 90 के दहाइयों में सियासी जमातों ने कोशिश की मुशर्रफ के दौर में इन्होंने कोशिश की हाल ही में अब ये इंटरिम हुकूमत ने भी कोशिश की अभी तक हुआ नहीं है। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है सुबह सिंध में जहां हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के बेतहाशा मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू करवाए हैं वो कामयाब भी हुए हैं वो या ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल पे पहुंच चुके हैं। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को पूरा रीजन में नंबर 6 डिक्लेयर किया है। तो मैं अगर चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान की जो मुआशी मसले हैं उनका हल निकालूं तो वो एक उनमें हमारा SOEs को रैशनलाइज करने का तरीकेकार जो मैं समझता हूँ मैं करके कामयाब हो सकता हूँ वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मंसूबा
मनसूबा है। जहां तक प्राइवेटाइजेशन की है, ऑब्वियसली रिसेंटली आई हैवंट बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी ब्रीफिंग्स और अंडरस्टैंडिंग, बट जब तक मैं वजीर खारजा था, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था दुनिया के इंटरेक्शन से, वो ज्यादा दिलचस्पी हमारा लॉस मेकिंग एंटिटीज पे नहीं दिखाते थे, और वो ज्यादा दिलचस्पी जो हमारा प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज है उस पर दिखाते थे। इफ यू अलाउ मी, बस इकोनॉमी में थोड़ा और बात करना चाहूंगा। इस एसओईज को रैशनलाइज करने के साथ साथ मेरे दो और मैं समझता हूँ सख्त फैसले, मुश्किल फैसले जो हमें लेना चाहिए। एक जो वफाक में 17 बाजार थे 2015 में डिवॉल्व होना चाहिए थे, नहीं हुए, और सालाना 300 अरब से ज्यादा इन वजारतों को चलाने में खर्च होते हैं, इसको बंद करना चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस अब्सर्ड एनएफसी अवार्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन क्लेम। दूसरा जो वफाक, जो मेरे ख्याल में बाकी सियासी जमातों इस पोजिशन में नहीं होंगे कि इतना सख्त फैसला ले, इतना मुश्किल फैसला ले, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला ले सकती है। जो हमारा अशराफिया को 1500 अरब सालाना एलीट सब्सिडी दिया जाता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में प्लेज किया है कि हम इसको खत्म करेंगे। अब ना नून लीग ये काम कर सकती है, ना ये इंडिपेंडेंस या ना कोई जेकेटी शेकेटी, ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है, और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। वी आर नॉट अ कंट्री दैट कैन अफोर्ड टू बी अ वेलफेयर स्टेट फॉर द एलीट। हमने इसको, वी हैव टू बाइट द बिटर, सो टू बाइट द बुलेट एंड टेक दीज डिफिकल्ट डिसीजंस, ताकि हम पाकिस्तान की मीशत को सही समय पे लेके जा सकते हैं।